दोस्तों, अगर आप भूतों पर विश्वास करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं तो भूतों को लेकर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू यानी आध्यात्मिक की दृष्टि से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू यानी विज्ञान की दृष्टि से जुड़ी कई सारी घटनाएं, तथ्यों और विश्लेषणों को लेकर के हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भूत, प्रेत, बाधा, तंत्र और अंधविश्वास को लेकर के काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट, सच्चाई, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस बनाएंगे। तो आपको अगर इसी तरह के वीडियोस पसंद हैं, तो सब्सक्राइब पर लाल वाला बटन अभी प्रेस करें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर। दोस्तों, हमारे देश में 7000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर बार बार, कई बार लाखों हजारों लोगों के आप बीती अनुभवों के आधार पर आज भी यहां पर भूतों के होने का दावा किया जाता है। जी हां दोस्तों, आज भी इन रेलवे स्टेशन पर कई सारे लोगों के द्वारा इन भूतों को सुना, देखा और महसूस किया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है नैनी रेलवे स्टेशन, और दोस्तों ये नैनी रेलवे स्टेशन तड़पती आत्माओं की चीखों के लिए और उनकी आहटों के लिए बहुत ही ज्यादा बदनाम है, क्योंकि नैनी रेलवे स्टेशन नैनी जेल के पास में स्थित है, और ये नैनी जेल वही है जहां पर हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कई सारे फ्रीडम फाइटरों को अंग्रेजों ने तड़पा तड़पा करके इसी जेल में मार डाला था। माना यह जाता है कि आज भी इन्हीं फ्रीडम फाइटर की तड़पती आत्माओं की चीखें और उनकी आहटों को यहाँ पर महसूस किया जाता है। आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिले का चित्तूर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, वहाँ के स्थानीय निवासियों का ये मानना था कि एक बार इसी रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ का एक जवान जिसका नाम हरि सिंह था, वो एक ट्रेन से यहाँ उतरे और फिर यहाँ पर दूसरे सीआरपीएफ और टीटीई के द्वारा उनकी बहुत ही बेरहमी से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। तभी से वहाँ के लोगों का ये मानना है कि उन्हीं हरि सिंह की आत्मा इसी रेलवे स्टेशन पर आज भी अपना इंसाफ मांगने के लिए घूमती हुई दिखाई देती है। तो रविंद्र सरोवर मेट्रो रेलवे स्टेशन कोलकाता। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन आत्महत्या करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, और इसीलिए इस रेलवे स्टेशन को आत्महत्या करने वालों के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पूरे शहर का 80% से ज्यादा आत्महत्या का केस सिर्फ और सिर्फ इसी रेलवे स्टेशन के नाम पर दर्ज है। कोलकाता का यह स्टेशन अपने पटरियों पर अनगिनत आत्महत्याओं के लिए मशहूर है। देर रात दूसरे यात्रियों को इन्हीं दुखी, परेशान और मजबूर आत्माओं की चीखों के साथ साथ उन्हें देखे जाने का भी दावा किया जाता है। माना यह जाता है कि 2004 में लुधियाना जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम का एक ऑफिसर जिसका नाम सुभाष था, उनकी मौत उनके ही रूम में किसी कारणवश हो गई थी, और तब से उनकी आत्मा उसी रूम के अंदर ही बंद कर रह गई। माना यह जाता है कि आज भी अगर कोई उनके रूम में जाने की कोशिश करता है तो उसे असाधारण चीजों का सामना करना पड़ता है। आज भी लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा उसी रूम के अंदर भटकती रहती है। दोस्तों, यहाँ आए दिन लोगों की कार के पीछे एक सफेद साड़ी में एक आत्मा का पीछा करते हुए, लोगों के कार की खिड़कियों को खटखटाते हुए और कई बार उन्हें थप्पड़ भी मारने के बहुत सारे किस्से आज भी अक्सर सुनाई देते हैं। और माना यह जाता है कि ये उसी औरत की आत्मा है जो किसी कारणवश एक्सीडेंट की वजह से उन्हीं रोड पर तड़प कर मर गई थी, और आज भी वो मदद के लिए उन्हीं कार के पीछे दौड़ लगाती है, उनकी खिड़कियां खटखटाती है और कई बार न सुनने पर उन्हें चाटे भी मारती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में कलका शिमला रूट पर आने वाली सबसे लंबी सुरंग, जो कि करीबन 1.14 किलोमीटर के आसपास है, और अगर ट्रेन से पार किया जाए तो इस अंधेरी सुरंग को पार करने में कम से कम 2.5 मिनट के आसपास लगता है, और ये टनल है 33 नंबर की, जिसके तुरंत बाद
एक छोटा सा बरोग रेलवे स्टेशन आता है। दोस्तों कहानी यह है कि एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर जिनका नाम कर्नल बरोग था, उन्हें इस टनल को बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, जो कि उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया और उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा लज्जित कर दिया था। शर्मिंदा कर्नल बरोग ने इस 33 नंबर की टनल के पास में अपने आप को शूट करके आत्महत्या कर ली थी और तब से ये माना जाता है कि टनल नंबर 33 से लेकर के बरोग रेलवे स्टेशन तक इनकी आत्मा आज भी भटकती हुई और लोगों से बातचीत करती हुई दिखाई देती है। दोस्तों अगर भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन में से किसी का नाम लिया जाए तो बेगुन कोडोर सबसे पहले नंबर पर आता है। कारण ये था कि ये रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा था और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक महिला भूत के कारण। दरअसल इस बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन की स्थापना 1960 में हुई थी और उसके 7 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1967 में जब एक रेलवे कर्मचारी ने उस महिला भूत की आत्मा को उस रेलवे स्टेशन के आसपास भटकने का दावा किया तो लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई और उसके कुछ ही दिनों के अंदर उस रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर अपने पूरे परिवार के साथ उन्हीं के रेलवे क्वार्टर्स के अंदर रहस्यमय तरीके से मारे पाए गए थे और लोगों को पूरा विश्वास हो गया था कि उनकी मौत का कारण इसी महिला की आत्मा थी, क्योंकि कुछ समय पहले उसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे कटकर मर गई थी। लोग ये भी दावा करते हैं कि वो महिला ट्रेन के साथ साथ दौड़ लगाती थी और कभी कभी ट्रेन के आगे आकर के खेल खेला करती थी। खैर दोस्तों 42 साल बाद जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो उन्होंने ये रेलवे स्टेशन दोबारा से शुरू करवा दिया। दोस्तों वैसे तो मध्य प्रदेश का पाताल पानी और सुहागपुर, मुंबई का डोंबिवली और मुलुंड और साथ ही गुड़गांव का एमजी रोड इन्हीं भूतिया रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में शामिल है, लेकिन इनके बारे में हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे।